फिर से हमारा जो आधार यूसीएल का सॉफ्टवेयर है वो अपडेट हुआ है दोस्तों। अब जो नई वर्जन है वो ये रहा, 188-1 में जो समस्याएं आ रही थी ये सारी चीज़ें तो आपको पता ही होगा। लेकिन दोस्तों अब जो नया वर्जन हमारा 2-3 दिनों पहले अपडेट हुआ है वो यूसीएल का वर्जन ये रहा 3.3.4.2/190-1। तो दोस्तों अब हमारा जो आधार यूसीएल का नया वर्जन रहा वो 190-1 है। इसमें भी दोस्तों अभी भी दोस्तों वो प्रॉब्लम जो था जो सर्वर स्लो वाला, अभी भी वही प्रॉब्लम चल रहा है। तो चलिए दोस्तों लॉगिन करेंगे और देखेंगे इस वर्जन में क्या नई चीज़ें हमें देखने को अब मिलेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी दोस्तों से आग्रह करना चाहूँगा, जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल न्यू अपडेट ऑनलाइन को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ्रेंड आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट और प्रैक्टिकल वीडियो हमारे चैनल पर टाइम टू टाइम आते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों लॉगिन करेंगे अपनी आधार यूसीएल की सॉफ्टवेयर को और देखेंगे क्या नई अपडेट हमें इस वर्जन में देखने को मिल सकता है। आधार यूसीएल की इस नए वर्जन में दोस्तों जैसा कि 3.3.4.2/190-1 में आपको नया चीज़ देखने को ये मिलेगा कि जब भी अब आप मोबाइल नंबर किसी भी बेनिफिशियरी का अपडेट करेंगे तो उनके मोबाइल में पहले OTP वेरीफाई होगा, उसके बाद ही उनका मोबाइल नंबर अब इस नए वर्जन के माध्यम से अपडेट हो पाएगा। तो दोस्तों ये एक नई चीज़ इसमें अपडेट हुआ है इस नए वर्जन में। तो बहुत लोगों का ये होना स्टार्ट भी हो गया है और बहुत लोगों का अभी नहीं हो रहा है, बहुत जल्द ये चीज़ें होनी भी स्टार्ट हो जाएगी। तो दोस्तों इस विषय में आपकी क्या राय है आप हमारे वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों आपको तो पता ही होगा कि जो भी हमारा पुराना वर्जन था 188-1 1-1.5 महीनों से कितना समस्या आया है सभी आधार यूसीएल ऑपरेटरों को पता होगा। आधार यूसीएल से संबंधित यही एक नई अपडेट रहा दोस्तों। बाकी जो भी समस्या या जो भी सुझाव है आप हमारे वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। लास्ट तक वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।